यूपी के चंदौली से लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार अधिकारी जनपद में पूजा स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और आयोजकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसी क्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के मानसरोवर तालाब पर एसडीएम और सीओ पहुंचे, जहां उन्होंने तालाब का निरीक्षण किया और आयोजक समिति से बातचीत की। वहीं हावड़ा दिल्ली रेल रूट के समीप स्थित मानसरोवर तालाब पर हजारों की संख्या में व्रती महिलाएं और उनके परिजन पहुंचते हैं और काफी संख्या में लोग रेलवे ट्रैक पार करके मानसरोवर तालाब आते हैं। इसको देखते हुए एसडीएम और सीओ ने रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया और यात्रियों की सुरक्षा के लिए रूपरेखा तैयार की। हमारे यहाँ ये मानसरोवर पोखरा और दामोदर दास पोखरे पे ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ साफ सफाई की पूरी व्यवस्था कराई गई है, सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था है। हम और सीओ साहब लगातार चक्रमण कर लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी आपने झंडा दिखाया, सूर्य की सवारी घोड़ा अश्व है, तो वो क्या है, वो कैसे नगर भ्रमण करेंगे, क्या है? ये यहाँ की जो कमेटी है मानसरोवर पोखरे पे जो छठ पूजा होती है, ये कमेटी है, इनका ये परंपरागत रूप से ये कार्यक्रम है। सूर्य का प्रतीक है घोड़ा, ये सात घोड़े छोड़े गए हैं जो जहाँ जहाँ छठ की पूजा होती है वहाँ चक्रमण करके फिर ये वापस आया। ये सकता है कि हम लोगों ने एक्शन प्लान बनाया है, पूर्व की घटनाएं भी हुई उनको देखते हुए पहले सुरक्षा की दृष्टि से बात करते हैं। हमारी एनडीआरएफ की टीम है, एसी के जवान है, हमारे थाने के अपने